सीएम योगी का कड़ा संदेश, बोले घर पर बुलडोजर चलना तय, रासो के तहत कार्रवाई और संपत्ति होगी जब्त। संसद सत्र से पहले हुई एनडीए की बैठक में एनपीपी पार्टी ने उठाई सीए वापसी की मांग, कहा मेरी बात सुनी गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट से चिंतित हुए सीएम केजरीवाल, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर फ्लाइट्स रोकने का किया आग्रह। पीएम मोदी ने स्टार्टअप को लेकर दिया बयान, दुनिया में अगुवाई कर रहा है भारत। जेल में बंद सपा नेता से मिलकर बोले शिवपाल, आजम खान भी चाहते हैं समाजवादी परिवार में एक हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। प्रतापगढ़ के पट्टी एरिया रामकोला गांव में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के यहां शादी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पर्ची लीक हो रही है, यही युवा काल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे। ये जो परीक्षा हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं, इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये जो परीक्षा सरकार द्वारा तीनों किसी के बिल वापस लिए जाने के फैसले को लेकर जनपद के किसान मोर्चा संगठन के तत्वधान में जनपद के बीएसए ग्राउंड में किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो सनई तिराहा होते हुए जोगिया तक गई। इस किसान ट्रैक्टर रैली में जनपद के लगभग 50 की संख्या में किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बांसी विधानसभा के विधायक राजा जय प्रताप सिंह रहे, किसानों को संबोधित भी किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार किसानों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है और कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगी जो किसान के हित बना हो। इसका उद्देश्य यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी अपने किसान मोर्चा के संगठन के माध्यम से हर जनपद में ट्रैक्टर रैली निकाल के हमारे किसानों को बताना भी चाहते हैं कि सरकार ने कितना काम उनके पक्ष में किया, किस तरह से हमारे तीन कानून जो अभी जल्दी माननीय प्रधानमंत्री ने वापस लिया उनमें कौन कौन से शर्ते ऐसे थे जो किसानों के हित में थे और कितना उनका फ़ायदा था। 80% वो जो कृषि बिल बनाया भी गया था उसमें 80% लोग लघु और सीमांत किसान के लिए बनाया गया था, परंतु जैसे आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी भी कि मात्र कुछ लोग के कारण से सहमति नहीं बन पाई, उस बात को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस कानून को वापस लिया और फिर आयोग को गठित करने के बाद वो फिर उसको किसानों के हित में लाएंगे जहाँ तक उनकी। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील पर महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आजमी का आगमन हुआ। अबू असीम आजमी डुमरियागंज तहसील पर सपा की तरफ से आयोजित कवि सम्मेलन और मुशायरे में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अबू असीम आजमी को जिला की सीमा पर समाजवादी नेता इंजीनियर रामफेर यादव ने सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों के साथ स्वागत किया। मुशायरे में शामिल होने से पहले मुंबई सपा प्रदेश अध्यक्ष ने इंजीनियर रामफेर यादव के आवास पर एक भव्य कार्यक्रम में जिले के सपा पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस मौके पर सपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे और देर रात लंबे काफिले के साथ अबू असीम का काफिला मुशायरा स्थल पर पहुंचा। इस मौके पर अबू असीम आजमी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा की लहर है। आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अंधेर नहीं है। लोग जज्बात में धर्म के नाम पर थोड़ा भय जरूर जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं। लोगों अब जिनको उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को इस देश में हर साल नौकरी देंगे, मैं उनसे पूछता हूँ कि आज अगर रेलवे बिक रहा है तो उसमें 2% मुसलमान है, 98% हिंदू भाई काम करता है। ये जो कमंडल कर रहे हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर, ये 98% हिंदुओं की नौकरियां जो सरकारी नौकरी थी उसे खत्म करके, रिजर्वेशन खत्म करके उनको बर्बाद कर रहे हैं।
अरे सरकारी नौकरी में आदमी 8 घंटे में 6 घंटे काम करा निकल जाता था, 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, तनख्वाह कम मिलेगी। इसी तरह एयर इंडिया बिक रहा है, एयर इंडिया में 1% मुसलमान है, 98% हिंदू भाई काम करता है, 99% हिंदुओं की नौकरी जाएगी। तो ये कमनर जो कर रहे हैं ना, इन भाइयों की हम आंख खोलने आए हैं। फिर समारोह अगर गंगा और जमुना में लाशें बह रही थी तो मुसलमान की नहीं बह रही थी, हमारे हिंदू भाइयों की बह रही थी, जो हिंदुत्व का दावा दे करके हिंदुओं के संरक्षण बनते हैं उन्हीं की लाशें बह रही थी। तो उनकी आंखें खुल रही हैं, महंगाई बढ़ गई है, सबके लिए बढ़ी, खाली एक फोन के लिए नहीं बढ़ी है। और जो भी सरकार चलाने में धर्म का नाम लाए समझा, वो बहुत बेकार लोगों के हाथ में सरकार है। और जो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं समझो, वो अच्छे लोगों के हाथ में सरकार है। तो अब जो है ये पाप का घड़ा भर चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अब बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, जो लोग बीजेपी का नाम लेकर बहुत अपनी जान। संभल में अब्बासी वेलफेयर हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्टर कैंप कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विचार रखते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष फारूक जमाल ने कहा कि सोसाइटी द्वारा पिछले 7 सालों में लगातार जनसेवी कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए सोसाइटी के कार्यों की ओर से ज्यादा गति लाने के उद्देश्य से आगामी 9 जनवरी से पूरे जिले में जनसेवी कार्यों का आयोजन कराना है। सहारनपुर सदर थाना क्षेत्र के गांव मई तहारपुर के छत पर खेल रहे 4 नाबालिग बच्चों की बिजली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलस गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको सहारनपुर जिला अस्पताल में हायर सेंटर दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। ग्यारह 25 पे हमारे यहाँ पे 3 बच्चे लाए गए, जिसमें से एक बच्चा सीरियस था सागर, उसको फर्स्ट उपचार देके प्राथमिक उपचार देके उसको रेफर कर दिया गया हायर सेंटर के लिए। बाकी सर्जन ने देख लिया है, जो हमारे पास बाकी बचे हुए हैं वो ठीक हैं, बाकी उनका उपचार चल रहा है। रायबरेली में भाजपाइयों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर शहर के त्रिपुरा चौराहे से लेकर सुपरमार्केट स्थित भाजपा कार्यालय तक रैली निकाली गई। इस दौरान लगभग 12 ट्रैक्टर रैली के समेत शामिल भाजपाई झंडे लगे ट्रैक्टर त्रिपुरा चौराहे रतापुर सारस चौराहा होते हुए सुपरमार्केट पहुंचे, जहां रैली का समापन हुआ। भाजपा किसान मोर्चा की अगुवाई में निकाली गई इस रैली का उद्देश्य बताते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि इसके जरिए प्रदेश के किसानों को जागरूक किया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो बिजली दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे थे वो किसान नहीं थे। और अब खबर पे बढ़ते हैं आगे, जहां हाथरस की तहसील सासनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर एस धर्मेश ने औचक निरीक्षण किया। जैसे ही डॉक्टर जी एस धर्मेश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान राज्य मंत्री ने सीएससी प्रभारी एसपी सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिया, कहा कि सीएससी में आ रहे मरीजों को सही उपचार और सीएससी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पार्टी के जो सामाजिक संपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है उसके निमित्त में आया था, और मैंने अचानक सोचा कि यहाँ की, चूँकि मैं भी मेडिकल लाइन का व्यक्ति हूँ, और मैंने सोचा इसका जो औचक निरीक्षण कर लिया जाए। तो यहाँ मेरे को पता चला है कोई सार्वजनिक या जो पेशेंट आते हैं उनके अटेंडेंट आते हैं उनके लिए यूरिनल कोई शौचालय नहीं है यहाँ पर, और ये गंभीर समस्या है। और सीएमओ साहब यहाँ पर हैं, उनसे पूछने पर बताया कि बहुत पुराना यहाँ पर ये बिल्डिंग है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, और इसको बनाने के लिए यहाँ पर शौचालय जो एक बहुत एक मैंने कहना चाहिए एक लेकिन बहुत ही आवश्यक मतलब जो वो है उसके लिए यहाँ पर चेयरमैन साहब ने बनाने का आश्वासन दिया है। मैं इनसे पेपर ले रहा हूँ और मैं चेयरमैन साहब डीएम हाथरस के माध्यम से। संभल के बबराला नगर के डिग्री कॉलेज में आर्यो की तरफ से निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में डॉक्टर विजय शंकर के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने मशीनों के जरिए आंखों की जांच करके मोतियाबंद के मरीजों व ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, अन्य मरीजों को दवाई दी गई। नवनीत गांधी समाज सेवा के बताया शिविर में बबराला नगर के लगभग 800 लोगों की आंखों का परीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर ने 255 लोगों में मोतियाबिंद पाया गया। अन्य मरीजों के लिए रोग अनुसार दवाई भी दी गई। आंखों के मरीजों को निःशुल्क बस ऑपरेशन भी किया जाएगा।
मैनपुरी में टीईटी परीक्षा में अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया। गेट पर ही सर्च के दौरान अभ्यर्थी पकड़ा गया। दूसरी बार शिक्षक पात्रता की परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। बता दें कि अभ्यर्थी कन्नौज जनपद के थाना सौरिक के नगला मदारी शरीफाबाद का रहने वाला है। अभ्यर्थी आलोक खुद की परीक्षा देने के लिए गया था। एक जनपद कन्नौज का रहने वाला है आलोक कुमार करके छात्र है, जो कि आदर्श इंटर कॉलेज में परीक्षा देने आ रहा था। मेन गेट पे ही तलाशी के समय में ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि धारण किए हुए भीतर जा रहा था, पुलिसकर्मियों द्वारा चेकिंग के समय पकड़ लिया गया और अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयास करने का मुकदमा उसमें दर्ज हुआ है और उसको फिलहाल हम लोग अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई। गिरोह कप्ती कमल शक्ति चौपाल में भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताई गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य की मुख्य अतिथि संध्या जोशी का स्वागत किया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य संध्या जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं को जो दर्जा दिया गया है वह किसी भी सरकार में नहीं मिला है। एक तरफ जहां सरकार खेल प्रतियोगिता को लेकर हमेशा प्रयासरत दिखती है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों का प्रतिभा निखारने के लिए भी स्थानीय लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। इस क्रम में बलरामपुर जनपद के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र गोंदीपुर गांव में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहाँ पर स्थानीय पहलवानों के अलावा अंतर्जातीय पहलवानों ने भी प्रतिभा किया। इस दौरान नंदिनी नगर महाविद्यालय की छात्रा शिवानी ने अपनी प्रतिद्वंदी साक्षी को पटखनी दी। कुश्ती दंगल मैं अपने पिताजी के यादों में करवाता हूं और मेरे क्षेत्र का विकास हो, लोग जाने। इस दंगल से खाली एक वही नहीं मिलता है, बहुत बड़ा सीख मिलता है बच्चों में कि बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अगर एक भी पहलवान मेरे क्षेत्र से निकलता तो समझ लीजिए मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। कुश्ती दंगल मैं अपने पिताजी के यादों में करवाता हूँ। और रायबरेली में भाजपाइयों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जहां शहर के त्रिपला चौराहे के लेकर सुपरमार्केट स्थित भाजपा कार्यालय तक रैली निकाली गई। इस दौरान लगभग 12 ट्रैक्टर रैली में शामिल रहे। भाजपाई झंडे लगाकर ये ट्रैक्टर त्रिपला चौराहा रतापुर सारस चौराहा होते हुए सुपरमार्केट पहुंचे, जहां रैली का समापन हुआ। भाजपा किसान मोर्चा की अगुवाई में निकाली गई इस रैली का उद्देश्य बताते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि इसके जरिए प्रदेश के किसानों को जागरूक किया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे थे वो किसान नहीं थे। रैली का उद्देश्य है ये दिखाना कि इस देश की जनता आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ है और योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और इस देश की जनता और इस देश के किसान इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से ये व्यक्त कर रहे हैं कि जो संसद में कुछ लोगों की नाजायज जिद की वजह से कानून वापस ले लिया गया है वो 3 कृषि विधेयक किसान हित में हैं और जनता अपना समर्थन व्यक्त कर रही है। हम भी प्रतीक्षा में हैं, जैसे हमारे विपक्षी कहते हैं हम भी 22 के इंतजार में हैं। उनको जल्दी ही आभास हो जाएगा कि किसान कृषि विधेयक का विरोध करके उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है, इसका आभास 22 में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का किसान इस बात का जवाब 2022 के विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में विपक्ष को दे देगा। जो हमारी सरकार ने किसान हित में काम किए हैं उसको किसानों के बीच में एक संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी एक ट्रैक्टर रैली प्रारंभ हो रही है, उसी के निमित्त आज रायबरेली में ये ट्रैक्टर रैली हुई और जो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार ने जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उसका संदेश देने का काम।
बांदा के कमासिन थाना अंतर्गत जमरेही नाथ बाबा चौराहे पर बाइक ने अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नागरिकों की सूचना पर परिजनों ने जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। ये बाइक से गांव जा रहे थे प्रेस करा के कपड़ों में, जर्मेही नाथ चौराहे से 100 मीटर पहले उनका एक्सीडेंटल केस। एक देवी प्रसाद 26 साल का पुरुष आया हमारे पास, मनसरी कमासिन क्षेत्र का है, रिफर होके आया कमासिन से। हेड इंजरी पाई गई है, काफ़ी जो है छोटे शरीर में है, शॉक में पाया गया है, इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। ये बाइक। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।